नमस्कार। गोरखपुर न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी धनतेरस और दीपावली जो 10 और 12 तारीख को मनाया जाएगा उसके लिए जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें हम लोग ट्रैफिक लाइट्स रोड अच्छी व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं। बस लोगों से यही अनुरोध है, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, उसी से मनाएं और सेलिब्रेट करें। हैप्पी दिवाली। और मैं मंडला गोरखपुर जो है अपने सभी जनपद वासियों को जो है दिवाली और छठ पर्व की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सब लोग जो है अच्छे से त्यौहारों को मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। सभी लोगों को इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं कि पूरे परिवार के साथ, पूरे हर्षोल्लास उमंग के साथ इस त्यौहार को मनाएं। दिवाली के पर्व पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, खरीदारी होती है। पुलिस प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर चुका है। हम कंधे से कंधे मिला के नागरिकों के साथ खड़े रहेंगे और उनके त्यौहार में सकुशल संपन्न करने के लिए समस्त प्रकार की व्यवस्था ग्राउंड लेवल पे की करते रहेंगे। गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से आम जनता से अपील करता हूं कि आने वाले दीपावली के त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं, साथ ही साथ सुरक्षा मापदंडों का पूरी तरह से प्रयोग करें, जैसे कि आपके बच्चों में आपको किसी भी प्रकार की जनहानि से बचाया जा सके। साथ ही साथ मद्य निषेध करें और किसी भी प्रकार के अल्कोहलिक या इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। धन्यवाद समस्त जनपद वासियों को आपकी तरफ से। और मैं इस गोरक्षनाथ नगरी में सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि सभी लोग अपने परिवार में सुख शांति के साथ दीपोत्सव का त्यौहार मनाएं और किसी भी हैवी पटाखे वगैरह से अपने को बचा के रखें, कोई जनहानि न हो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और दीपावली का आनंद से त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। देखिए, गोरखपुर न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं सभी श्रोताओं को यही कहना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन का आने वाले दिनों में सहयोग करें, शांतिपूर्वक हर्षोल्लास से सौहार्दपूर्ण माहौल में ये त्यौहार मनाएं। गोरखपुर न्यूज़ चैनल के सभी हमारे दर्शक, सभी हमारे गोरखपुर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए, ऐसी आशा करते हैं। साथ ही साथ इन त्यौहारों को आप जीरो वेस्ट त्यौहार के रूप में मनाइए। त्यौहारों से अपने जीवन से प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः वर्जित कर दें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना घर में आने दें, ना जो ला रहा है उसको नहीं को त्याग दें और शहर को स्वच्छ रखने में, सुंदर रखने में सहयोग करें। ये त्यौहार न केवल आपके जीवन में बल्कि गोरखपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए भी आप योगदान दें। नगर निगम परिवार की ओर से एक बार फिर से पुनः बहुत बधाई। गोरखपुर के माध्यम से मैं गोरखपुर जनपद वासियों को दिवाली और आगामी त्यौहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मेरी सभी से यही अपील है कि दिवाली को आप सुरक्षित रूप से मनाएं और हर्षोल्लास का रूप से इसको मनाएं। दर्शकों को दिवाली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग क्रैकर फ्री, पर्यावरण फ्रेंडली दिवाली मनाएं और अपने सभी रिलेटिव्स के घर जाएं, निश्चित ही ये मौका यूज़ करें। बहुत ही बड़ा पर्व हम लोगों के लिए होता है। मेरी शुभकामनाएं पुनः सभी लोगों को। गोरखपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जनपद वासियों को दीपावली पर्व की, छठ पर्व की अनेक शुभकामनाएं देता हूं और एक आग्रह करता हूं कि सुरक्षित दीपावली मनाएं। पटाखों का जब बच्चे पटाखे जलाएं तो उनके साथ रहें, सुरक्षित रूप से दीपावली का हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जब सभी जनपद वासियों को, गोरखपुर न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को, सभी लोगों को दीपावली पर्व की और छठ पर्व की अनेक शुभकामनाएँ। गोरखपुर न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों और सभी गोरखपुर जनपद के जनपद वासियों को मैं आगामी धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं और यह ईश्वर से कामना करता हूं कि यह त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियां लाए और हर्षोल्लास के साथ आप इस त्यौहार को मनाएं। आपका दिन शुभ हो। सबसे पहले तो मैं सभी गोरखपुर जनपद वासियों को दिवाली, धनतेरस और भैया दूज के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगी कि ये त्योहारों को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से मनाएं ताकि। मैं एसपी ट्रैफिक गोरखपुर धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर गोरखपुर न्यूज के समस्त दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जय हिंद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वनटागिया गांव में 153 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। आपको बता दें कि दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल वनटागिया गांव जाते हैं और दिवाली मनाते हैं। इस साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटागिया गांव पहुंचे और उन्होंने सर्वप्रथम जनपद के 153 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को पत्र सौंपा। इसके अलावा उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भी चाबी सौंपा। वहीं दिवाली के अवसर पर चाबी पाकर सभी लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के द्वारा लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया गया और नवजात बच्चे का अन्न प्राशन किया। उन्होंने एक वनटांगिया के नागरिक के घर जाकर दीपक जलाकर दिवाली मनाया। उसके बाद उनके पर किशमिश के साथ खीर खाया। वहीं पर इस अवसर पर वनटांगिया गांव के नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में खुशी का माहौल है, हम अयोध्या से ही आ रहे हैं। शनिवार को वहां पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है जिसमें 20 से ज्यादा देशों के राजदूतों ने भाग लिया। उन्होंने कहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी घोषित हो गई है। यही राम राज है क्योंकि 500 वर्ष का सपना पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले वनटांगिया में कोई भी सुविधा नहीं थी, लोगों को यहां पर पुलिस व वन विभाग के अधिकारी परेशान करते थे, लेकिन 2017 में सरकार बनने के बाद यहां के नागरिकों को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया और यहां के बच्चों के लिए 2 स्कूल बनाए गए जिससे कि यहां के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अलावा यहां के नागरिकों के पास घर नहीं था, अब उनको पीएम आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां पर बिजली, पानी, सड़क की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इनके लिए सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त करना इनके लिए सही मायने में यही दिवाली है। उन्होंने कहा कार्य करने का जज्बा होना चाहिए और जो कार्य करे उससे किसी का अहित ना हो, मेरे परिश्रम से जो प्राप्त हो अपने परिवार व समाज के साथ बांट सकूं। पिछले कुछ वर्षों से अपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश व भारत को देखा होगा और बदलते हुए गोरखपुर को देखा होगा। यहां पर जिस चीज की आवश्यकता थी वो सभी चीज़ें गोरखपुर में उपलब्ध हैं। गोरखपुर में एम्स, फर्टिलाइजर व फैक्ट्रियां लग रही हैं, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहा है। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यह संरक्षण, यह स्नेह, यह हमारे संरक्षक के रूप में महान योजना की लाभार्थी श्रीमती उर्मिला जी आज दिवोत्सव और इस क्रम में हम फिर आमंत्रित करेंगे श्री राम हित जी को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और निष्ठान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्री रमेश मौर्य जी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वाटर केयरिंग पाइप का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए जनपद महाराजगंज मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी काफी को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थी नीतू जी 3,66,00,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अथक अभिलाष जन कल्याण के लिए की जो दशकों से था असंभव, आजादी के बाद पहली बार वन ग्रामों में पहुंची मूलभूत सुविधाएं, प्रशस्त हुआ दशकों से उपेक्षित वन ग्रामों की उन्नति का मार्ग। जब हम लोग अपने गांवों में आते हैं आज यहां पर सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, स्वास्थ्य की सुविधा भी है, राशन कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का। सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के लिए सादर धन्यवाद। आज वनटांगिया क्षेत्र में 153 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय दर्शन के 10वीं श्री गुरुवे नमः। आज दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर हम सब आदिशाली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से संपर्क होती हुई एक एक करके जंगल 3 को नंबर 3।
पढ़ते हैं। आप पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए। छोटू छोटू इधर मुकर। एक इधर, ये देखो ये लोग तो हैं। ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर, मेहनत से पढ़ाई करो, मार्केट भी है, मार्केट रहेगा तभी इसका लाभ। आप लोग उधर आ जाओ, मैं अंदर आ जाता हूँ। हाँ अंदर जाइए महाराज, अच्छा थोड़ा सा हमारे ठीक है भाई। हाँ ले ले, हाँ ठीक है ना। उसको वहीं रहने दो। लो भाई राम गणेश जमा उसको। चलो जी उजवला दिए प्रदेश की सत्ता संभाली तो गणगांव का दर्जा देकर, राजस्व गांव का दर्जा देकर, प्रधानमंत्री आवास देकर, पीटीएस भी लगवा करके, शौचालय देकर के, आंगनबाड़ी केंद्र लेकर के, प्राथमिक विद्यालय बनवा करके, सड़कें बनवा करके, कलता लगा करके, बिजली लगा करके, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी बंदरों थे उज्वला जी ने उनका जीवन स्तर सुधारने का कार्य किया। मित्रों जो आम गांवों में सुविधा नहीं है उससे बेहतर सुविधा यहाँ के लोग उठा रहे। मित्रों पूर्ववर्ती सरकारों में ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज सोचिए आप देश आजाद हुए इतना दिन हो गया, लेकिन अगर राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भी हमारे भारत के सबसे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नाम पर संभव हुआ, आज बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है तो भी हमारे दो महापुरुषों के नाते आदरणीय मोदी जी के नाते आदरणीय योगी जी महाराज के नाते हो रहा। मित्रों आज गोरखपुर की दशा की रातों बदले मित्रों, उसके लिए पुत्र महाराज जी को हम गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। मित्रों आंगनवाड़ी केंद्र को देखता हूँ, मेरे शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त होना सही मायने में यही दीपावली है और यही राम राज्य है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए और भाव ये होना चाहिए कि मैं जो करूं दूसरे का अहित किए बगैर मेरे परिश्रम से मेरे पुरुषार्थ से जो हमें प्राप्त हो उसको भी मैं अपने परिवार के साथ समाज के साथ हर गरीब वंचित दीन दुखी सबके साथ जोड़ करके उसको गले लगा करके अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो भाइयों बहनों यह बढ़ना यही फलीभूत भी होता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है, बदलते हुए भारत को भी देखा है,
क्योंकि जब ईमानदारी के साथ कोई प्रयास किया जाता है तो उसके परिणाम भी परमपिता परमेश्वर से ईश्वरीय कृपा से उसके परिणाम भी सकारात्मक ही होते हैं। आज से 6 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? एक सपना था, लेकिन आज मंदिर बन ही गया है। तो बल्कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला के विराजमान के लिए तिथि भी तय हो गई है और इस संपूर्ण भारत में ही नहीं दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी और भारतवासी जहां कहीं भी रहता है उसके लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि है। हमारा भी दायित्व बनता है जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तब उस तिथि को 1 सप्ताह पहले से राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण के साथ अपने अपने घरों में पाठ बिठाना, हर घर में प्रभु राम की 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन इसका उदाहरण है। कुछ लोगों ने तो जान बूझ कर उपेक्षित किया, लेकिन आज गोरखपुर में सब कुछ है जो गोरखपुर की आवश्यकता है। चौड़ी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, वायु सेवा की भी कनेक्टिविटी है। और अभी कुछ ही वर्षों के बाद हम जल मार्ग की कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वाटरवे। यानी ये अनेक सुविधाएं एक साथ विकसित होकर के इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्धि और खुशहाली के क्षेत्र के रूप में बदलने के लिए कार्य कर रही है। पहले एक बीमार मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, भाइयों बहनों मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ हो गया है, साथ साथ एम्स भी गोरखपुर को सौगात के रूप में मिलकर भी कार्य कर रहा है। आज रामगढ़ अपनी भव्यता के लिए, गोरखपुर की सड़कें, चमचमाती की सड़कें अपनी भव्यता के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रोजगार की सृजन हो रहे हैं, कहीं रामगढ़ ताल का विकास हो रहा है, कहीं चिल्वा ताल का विकास हो रहा है। प्राणी उद्यान यानी गोरखपुर का चिड़ियाघर आकर्षित आकर्षण पैदा कर रहा है और रोजगार के नए सृजन के रूप में क्रीड़ा का विकास हम सबके सामने एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। केवल जंगलों में घूम नहीं रहे थे, एक तरफ ऋषि मुनियों को अभय प्रदान कर रहे थे, दूसरी तरफ वनवासियों को, भालुओं को, कमजोर लोगों को, गिरवासियों को गले लगा करके उन्हें उस समय की नकारात्मक ताकतों के खिलाफ, राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ उनको खड़ा करने की एक बड़ी रणनीति के तहत काम भी कर रहे थे। और हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने पूरे आर्यावर्त को और पूरी दुनिया को
आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया था। भगवान इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिस रावण का आतंक आर्यावर्त में इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त था, उस रावण के आतंक से पूरे देश और पूरी दुनिया को मुक्त करने वाले प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास की अवधि को संपन्न करके अयोध्या वापस आते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में जो उत्साह वातावरण उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो आयोजन हुआ था, वही दीपावली का आयोजन है। और भाइयों बहनों, आज वही दीपावली का आयोजन है। ये मेरा सौभाग्य है कि कल मुझे अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा कितनी भव्य दीपावली थी, 22 लाख से अधिक दीपक अयोध्या में राम जी की पेड़ी और 51 घाटों में जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें 54 देशों के राजदूतों ने, राजनयिकों ने भाग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को वैश्विक मान्यता प्रदान करने में अपना योगदान दिया। और इसीलिए आज हम सब आए हैं, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सबका साथ और सबके विकास का, सबका साथ सबका विकास, वही है कि शासन की योजना के साथ साथ हम हर गरीब हर वंचित को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे स्तर पर भी जो प्रयास हो सकता है, हर व्यक्ति अगर इस संकल्प कर ले कि मैं भी हर गरीब के लिए हर वंचित के लिए कार्य करूंगा, तो भाइयों बहनों कहीं कोई व्यक्ति अपने आप को विकसित महसूस नहीं करेगा, कहीं कोई व्यक्ति अभाव से ग्रसित नहीं रहेगा। और सरकार की मंशा है, नवल इंधन की सरकार इस बात की है, हम सब भी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आज यहाँ पे दीपावली के अवसर पर भटकांजा से संबंधित और पिछड़ी जो ग्राम पंचायत है उनसे संबंधित 153 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर की सभी ग्राम पंचायत वासियों को, बन्ने भटभटाजा गाँव से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि दीपावली का उत्सव और उमंग का एक नया कारण बनकर के हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का वातावरण निरंतर देता रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वनटांगिया गांव के नागरिक लक्ष्मी मीना ने कहा, किशमिश खाए हैं हम लोग को, बहुत अच्छा लगा है। हर साल आते हैं, वो नहीं आएंगे तो हम लोग बात ही नहीं धराएंगे दिया, नहीं दिवाली मनाएंगे। हाँ, 7वां बेर हो गया मेरे घर में, 7 लोग के 8 लोग के साथ दिवाली मनाते हैं, हर साल दिया जलाते हैं। हाँ, तब तक हम लोग नहीं। दिवाली त्योहार के पूर्व संध्या पर शहर में खरीदारी करने निकली बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत महिला थाना प्रभारी राज कुमारी शुक्ला द्वारा अपने हमराहियों के साथ पैदल गश्त कर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गश्त के दौरान महिला थाना प्रभारी व उनके हमराहियों ने महिलाओं व बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जागरूक किया। महिला थाना प्रभारी राज कुमारी शुक्ला द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप तत्काल संबंधित हेल्पलाइन नंबर या थाने के CUG नंबर पर सूचना कर सकते हैं, पुलिस तत्काल आपकी सहायता करेगी। दिवाली से छठ तक सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए आपातकालीन बेड, दवाएं और डॉक्टरों का इंतजाम करने के निर्देश प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने दिए हैं। CMO ने इस निर्देश के अनुसार मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सभी CSC PSC में अतिरिक्त बेड लगवाने, CSC पर एम्बुलेंस उपलब्ध रखने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बर्न वार्ड समेत हर जगह अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल में 20 बेड और सभी CSC में 4-4 बेड आरक्षित किए गए हैं। बर्न केस के लिए अस्पतालों में डॉक्टर और
दवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। इमरजेंसी सेवा को 24 घंटे चालू रखना है। इमरजेंसी सेवा के लिए फिजिशियन सर्जन की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। अन्य डॉक्टर भी ऑन कॉल मौजूद रहेंगे।